एक इंटरेस्टिंग सवाल डॉक्टर आपने बात की अपनी लॉस की जिस तरह बात की अपनी फैमिली की और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके कैरियर के साथ आपकी फैमिली बहुत एक मानी रखती है तो एक वर्किंग वूमेन और एक हाउस वाइफ कैसे बैलेंस किया, किया मैंने कैसे मैं लेके चली मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आपको कोई, uh, नहीं होते आप खुश भी नहीं होते कभी -कभी आप ओवर वर्क uh, भी कर रहे होते तो, लेकिन उनको दिख नहीं होता है आज आपके सवाल से लिंक में बात बताती हूँ कि हाउस वाइफ और एक वर्किंग चैलेंजेस हैं कभी हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते मैं हाउसवाइफ भी रही हूँ

मतलब इस तरह के और इश्यूज आ जाती हैं और उसकी बहुत सारे नेगेटिव एक वाइब्स निकल के माशरे के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं हुँ. तो आप थोड़ा सा एलिब्रेट करें आखिर यूनिवर्सिटी आपकी अपनी करियर जॉब पढ़ना बच्चा फैमिली सारी चीजें तो एक वर्किंग वूमेन और एक हाउस वाइफ कैसे कोप अप करें ए फीमेल, दोनों रोज को, आपने अपनी तरबियत की बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात बचपन में बाप ने क्या तरबियत की नो no डाउट फैमिली लॉस सपोर्ट भी करें। उसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे यंग खुत इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रही आप अपनी एक एक्सपीरियंस इसको कैसे एलोबरेट करेंगे आप? आपने इतनी इम्पोर्टेंट पार्ट को स्ट्रिंग को आपने टच किया है मेरे ख्याल मेरी पहले वाली बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की उस पर शायद बहुत सारे लोग जो है वो यकीन भी ना करें या मैं कहूँगी कि उस चीज़ को समझें कि शायद कोई एक मेरे के लिए है मैं आपको बताती हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता आ, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ जब मैं कोई भी डिसीजन लेना चाहती थी ना तो मैं खुद नहीं लेती थी हमेशा मैं अपने पेरेंट्स को आगे रखती थी अब कैसे बैलेंस किया मैंने कैसे मैं लेके चली मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको कोई सोसाइटियल प्रेशर्स नहीं होते आप जितना भी कर लें आप शायद बहुत सारे लोगों को कन्विंस नहीं भी कर पाते हैं कभी 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 वो आपसे खुश भी नहीं होते कभी कभी आप ओवर वर्क भी कर रहे होते तो लेकिन उनको दिख नहीं रहा होता है या ये भी होता है अक्सर मरतबा कि शायद वो आपको अप्रिशिएट करते हैं लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस उनको आपकी तरफ नेगेटिव करने की कोशिश करती है इसमें मेरा एक बड़ा एपिसोड भी आएगा इनशाला वो मैं उस पर मैंने डिस्कस भी किया लेकिन आज आपके सवाल से लिंक में बात बताती हूँ कि हाउस और एक वर्किंग वुमेन के लिए अपने अपने चैलेंजेस हैं कभी हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते मैं हाउसवाइफ भी रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर पहले जॉब नहीं थी तो उस टाइम पे मैं घर में ज़्यादा टाइम देती थी और क्लिनिक थोड़ा सा करती थी और बस वापस घर आ जाती थी और मैं उसके बाद वर्किंग वमन भी रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी चीज़ों को प्रायोटाइज करना बहुत ज़रूरी है यानी अपनी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले कबल रखना है और फिर बाद में उन चीज़ों को रखना है जो आपकी नेसेसरी नहीं है फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपना रूटीन अगर बताऊँ आपको तो सुबह को जब मैं जागती थी तो मैं आ, सबसे पहले अपनी बच्चे की चीज़ें सेट वेट करके जाती थी अभी बच्चे के साथ मेरी लाइफ बिल्कुल तब्दील हो गई है उसके बाद मैं अपने काम से जब आती थी तो मैंने उस पर क्लिनिकल प्रैक्टिस जीरो कर दी थी बिल्कुल मैंने अपने क्लिनिक को बिल्कुल जीरो कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी अचीव कर रही हूँ ना मास्टर्स चल रहा था उस वक्त मेरा तो मैंने कहा कि अब उस टाइम पे मैं क्लिनिक को क्यों इतना ज्यादा टाइम दू जब मेरी मास्टर्स चल रहा है और बच्चा भी है और घर भी है तो उस टाइम पे मुझे क्या प्रायोरिटी में लगता है कि कि अभी मेरी टॉप लिस्ट पे नहीं है तो तो मैंने उसको थोड़ा सा कम कर दिया तो मैं क्या करती थी कि मेरे पेशेंट से जो मुझसे करवाना चाहते हैं काम तो मैंने महीने में एक दो दफा कर लिया बैठ गई क्लिनिक में और मैंने काम कर लिया यानी मैंने अपनी चीजों को बहुत फ्लेक्सीबल बनाया उसके बाद मैं जब घर पे आती थी घर की होती थी बच्चे की होती थी काम करते रहो और वही जो हमारी रूटीन होती थी उसके बाद रात को सोने के बाद बच्चे को सुनाने के बाद मैं अपना मास्टर्स का पढ़ती थी फिर मैं मास्टर्स का शुरू करती थी रात के एक दो बजे सुबह तक पढ़ती थी फिर जॉब पे जाती थी तो मेरी लाइफ बहुत टफ थी शायद मैं जब उस चीज़ को सोचती हूँ तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ कि वो शायद मैं नहीं कर पाती अगर अल्लाह ताला का साथ ना होता मेरे पास तो उस टाइम पे जब मैंने रिलाइज किया कि जॉब पढ़ाई घर बच्चा ये आपकी विल पावर होती है ये आपकी रिजिलियंस होती है आपकी पर्सनैलिटी सारी ने... चीजों ने आपकी फैमिली किया अच्छा अब वो कैसे अब वो ऐसे कि मैंने कोई चीज को भी इग्नोर नहीं किया मुझे पता था कि घर मेरा है मुझे पता था बच्चा मेरा है मुझे पता था कि मेरी पढ़ाई है मेरा वो टेंशन है ये मेरी जॉब है मेरा टेंशन है मैं अगर ये कहूँ कि ये मुझ पर थोप दिया गया है तो मैं कभी भी उस पर खुश नहीं रहूंगी मैं हर चीज़ को कोशिश करती थी कि बस इसको इतने घंटे दे देने तो बस सोशल लाइफ अगर आज नहीं करनी कल मौका मिलेगा कल करते रहेंगे जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो मैं सोशल लाइफ में आ गई बिल्कुल तो मैंने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप किया हम क्या करते हैं हम, है? हम क्या कहते हैं हमारी आदत क्या है कि हम बहुत जल्दी जंप करना चाहते हैं चीजों पर डिसीजन पे कि जल्दी से बस ये कर लो जल्दी से ये चीज खत्म कर लो आपने अपने आप को मैं ऐसा नहीं कहती कभी कभार आपका एक पीक भी आता है लेकिन वो हर दफा नहीं आना चाहिए महीने में एक दफा आ जाए चले समझ आती है लेकिन थोड़ा सा अपने अपने आप 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 को को आपने जब सैटरडे संडे तो आप अपने आपको ब्रेक थ्रू अब आप आपका रिलैक्स है आज आपने कोई हैवी चीज कोई नहीं करनी है ऐसी कि जो आउटसाइड की है आपने अपनी नॉर्मल एक लाइफ को लेकर जाने बच्चे घर को तो आपने बैलेंस करना है प्रायटाइज करना है ये स्ट्रैटेजी नंबर वन होती है नंबर टू ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर रहे हैं लेकिन आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा डोंट सीक फॉर सीक्रिसिएशन अप्रिसिएशन अल्लाह देने वाला है कोई खुदा खुदा के अलावा कोई किसी इंसान की ज़्यादा आपको अप्रिसिएट नहीं कर सकती अगर आपको ऐसा लगता है कि वो उसने मेरे बारे में गलत बोला या वो मेरे बारे में क्यों झूठ बोल के गया गई हालांकि मैं तो इतना कर रही थी मैं तो इतना करती थी हाँ ये अलग बात है मैं शो नहीं करती थी तो मेरा नाम नहीं हुआ आगे इट्स ओके यू डोंट हैव टू निगेट दैट आपको न, ना ना किसी को डिफेंड करने की ज़रूरत है आपके अगर पूरी तरह इंटेंशन क्लीन है ना तो अल्लाह ताला आपको हर दफ़ा डिफेंस करेगा हाँ अल्लाह के काम में अगर आपने आपने डिफेंस करना शुरू कर दिया तो जो डिफेंस आपको ऊपर से मिल रहा था ना वो नहीं मिलेगा शील्ड तो मेरा यह ख्याल है कि पॉजिटिव रहना है और अल्लाह का शुक्र करना है और आपके इट गिर्द लोगों के साथ आपने इतना पॉजिटिव रहना है कि अगर आपने उनको अपने इंटरेस्ट में ले लिया ना तो आपको एक्सटर्नल फोर्सेस जब आएंगे तो वो खुद आपकी शील्ड हो जाएंगे वो खुद आपकी शील्ड बनेंगे तो वर्किंग वुमेन के लिए या हाउस के लिए मैं दोनों के लिए कहूंगी कि हाउस के लिए अगर वो पूरे दिन घर में होती हैं और अगर वो कहती हैं कि भाई मैं घर का मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं देखें ये आपके हाथ में ये सब मेंटली होता है ये सब साइकोलॉजिकल है अगर आप चाहें तो आप 24 फोर आवर्स में से 12 आवर्स 13 आवर्स आप घर को दें बाकी आवर्स में आप अपना कुछ भी करना चाहते हैं करें मैं आपको यही बता रही थी कि वीडियोज मैं किस तरह बनाना शुरू किया मैंने मैंने कोविड के अंदर ही किया है मुझे किसी ने नहीं रोका मैं रात को जाके करती थी मुझे अगर मेरी बच्ची सो सुख में आती थी तो मैं कहती थी एक घंटा मेरे पास है वो सोरी जब तक तो नैप ले रही है तो मैं जल्दी से वीडियो बना लूँ यानी मैं मेरा इंटरेस्ट था मुझे खुशी मिलती थी जो भी काम करें उसमें आपकी खुशी होनी चाहिए यानी कि आप ये सोचें कि भाई मैं आज घर का काम क्यों करूं या मैं जॉब क्यों करूं मेरा शौक ही नहीं है मुझे तो ये जबरदस्ती करवाया है तो कभी भी आप उसमें हंड्रेड परसेंट नहीं दे सकते